टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 20 खबरों में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, जबकि पार्टी ने राज्य की 5 सीटें सहयोगी को दी है। ऐसे में 24 नामों पर मंथन जारी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने होने वाले चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ 4 पार्टियों का दबदबा है, कई सीटों को लेकर अभी पार्टी में बंटवारे की बात हो रही है। जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके के जैसल्या गांव के एक घर में सिलेंडर की वजह से आग लग गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। मृतक में पति पत्नी और 3 बच्चे थे। तमिलनाडु के AIDM के मंत्री सी विजय भास्कर के आवास पर ईडी की छापेमारी जारी। आज कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है। सूत्रों से खबर है कि महाराष्ट्र में 7 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल हुए हैं, वहीं गुजरात की 10 सीटों पर प्रत्याशी तय हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने याचिका दाखिल कर कोर्ट से ईडी को कोरेसिव एक्शन ना करने का निर्देश देने की मांग की है। दिल्ली के कबीरनगर इलाके में 2 मंजिला इमारत ढही, 2 लोगों की मौत और 1 गंभीर रूप से। महाराष्ट्र में सुबह 6:08 4.5 तीव्रता का भूकंप आया, अक्षांश 19.48 और लंबाई 77.30, गहराई 10 किलोमीटर, स्थान हिंगोली। वही 6:19 पर एक बार फिर 3.6 तीव्रता का भूकंप आया। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की तैयारियों पर राज्य मंत्री संजय राठौड़ कहते हैं, मैं बता सकता हूं कि यवतमाल, वाशिम और चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्रों में महायुति के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेंगे, हमने प्रचार शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कुछ बिहार जिले के दिनहाटा इलाके में स्थिति की समीक्षा की, जहाँ कथित तौर पर सोमवार रात झड़प हुई थी। यादव बुधवार को अपने बेटे के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश और अन्य दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय शेयर बाजार में आज जोरदार उछाल देखा जा सकता है और कल अमेरिकी बाजारों से आए पॉजिटिव संकेतों के दम पर घरेलू बाजार को भी सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने के बाद आज सोना भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुला है। दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए समुद्र पर नवनिर्मित अटल सेतु से 43 वर्षीय एक महिला ने छलांग लगा दी। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से की, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने तिखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के लोग प्रधानमंत्री पर ऐसे हमलों का करारा जवाब देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए निशाना साधा है, साथ ही महाराष्ट्र में 41 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया है। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों बाद एक निगरानी दस्ते ने मुंबई उपनगर घाटकोपर में एक कार से 72 लाख रुपए से अधिक की नकदी जब्त की है। महाराष्ट्र में कांग्रेस गुरुवार को लोकसभा चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप देगी। इस चुनाव में कांग्रेस राज्य की लगभग 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। AIMI चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील जल्द ही आधिकारिक तौर पर यह भी घोषणा करेंगे कि महाराष्ट्र में कौन सा उम्मीदवार खड़ा होगा। अदा शर्मा हर बार अपनी शानदार एक्टिंग से ऑडियंस को अपना दीवाना बना लेती है। उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन करती है, मगर इस बार अदा लोगों को इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं हो पाई। साउथ सुपरस्टार रामचरण अपनी अपकमिंग फिल्म गेम चेंजर को लेकर लंबे समय से सुर्खियों में है। इस फिल्म में उनके साथ कियारा आडवाणी नजर आने वाली है। अभी फिल्म की रिलीज डेट भी नहीं आई और इससे पहले ही इस पिक्चर ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। ऐसे ही ताजातरीन खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए NBC न्यूज़। धन्यवाद।